से वो बच्चे ही क्यों ना हो, दे डोंट वॉन्ट अ सेट टाइम जहाँ वो बंद जाए, उनको बैठ के देखना ही पड़े, राइट तो जब उन्होंने कहा हम टीवी पे नहीं लाएंगे ओटीटी पे लाएंगे, तो हमें लगा कि वी वर होपफुल इट विल डू वेल, इतना वेल करेगा नहीं सोचा था हमने. अभी नेगेटिव किया है मैंने, मधुबाला में भी नेगेटिव किया, मैंने हर जगह एक्सेप्ट फॉर 2-3 शोज जहाँ मैं कॉमेडी कर रही थी, लाइक सबके जो शोज मैंने किए हैं सब टीवी के, वो सब कॉमेडी थे, बट तभी ऑन एयर होती थी जब वो चल रहा होता था. So that also kind of clashed for me. But now we are in talks. Let's see, कौन सा वाला मैं नहीं बताने वाली हूँ. It's a hint. Yeah. But I am coming up with something in dancing. Yeah. Analyzed. Okay. खाली साइन होना बाकी है. Yeah. And that's exactly why मुझे reality का पता नहीं चल रहा है, the dance reality. क्योंकि अगर वो dates clash हो गई तो मैंने commitment already दिया हुआ है. I told you, right? मेरे dates हमेशा clash होती हैं. But I'm really hoping and praying. I'm trying to tell them also कि मुझे एक बार कर लेने दो. So, firstly, welcome to our channel. Thank you so much. So, thanks for having me. You're welcome. अदा हम third time मिल रहे हैं. मैं आपसे एक ही सवाल तो नहीं पूछूंगी, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि feedback किस तरह का मिल रहा है अब तक. I am so excited. We are number 4 show on the entire yes. OTT platform bit now. तो हमने भी expect नहीं किया था, honestly speaking, because Balveer 3 was a little lukewarm, right? But Balveer 4 has gone like crazy. पूरे OTT platform के segment में हम number 4 पे हैं, तो definitely I am so so humbled and thank you so much for loving us so much. Thank you. Really excited. Yes, you know, अगर हम बात करें बालवीर की, so Sony Leaf पर something कुछ millions में इसके views आ चुके हैं. Yes. And क्या expect किया था आपने कि you know OTT पे आने के बाद इतने views आएंगे, और जब ये TV पे था बेहद पसंद किया गया था, but OTT पर इतने expect किए थे आप लोगों ने? Actually क्या हुआ था last time ना, ये TV पर लाए थे and they also got it on OTT. राइट, वो जस्ट द डिफरेंस वॉज कि शायद ओटीटी पे थोड़ी कुछ घंटों के बाद आता था. लेकिन ये हमें समझ में आ गया था कि भी आज का ऑडियंस, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, दे डोंट वॉन्ट अ सेट टाइम जहाँ वो बंद जाए, उनको बैठ के देखना ही पड़े, राइट तो जब उन्होंने कहा हम टीवी पे नहीं लाएंगे ओटीटी पे लाएंगे, तो हमें लगा कि वी वर होपफुल इट विल डू वेल, इतना वेल करेगा नहीं सोचा था हमने, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं. फैंटेसी में एक नॉर्मल सोशल ड्रामा के मुकाबले आप देखोगे कि कई गुना ज़्यादा मेहनत है. आप लोग सब सेट पर आते ही रहते हैं, यू सी इट इज़ वेरी, इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हमारे चार चार कैमराज एक साथ रोल हो रहे होते हैं, एंड वी हैव टू सी टू इट दैट वी आर यू नो फेसिंग फॉर एवरी सिंगल कैमरा लाइट, ये वो चालू होता है विद कॉस्ट्यूम्स, नॉट एन ईजी जॉब. तो जब आप प्यार मिलता है इतना, बहुत अच्छा लगता है. वेल, ये आपका फर्स्ट नेगेटिव किरदार था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं नहीं, मैं नेगेटिव क्वीन हूँ. नेगेटिव, हाँ, मैंने बालाजी का भी नेगेटिव किया है, मैंने मधुबाला में भी नेगेटिव किया, मैंने हर जगह एक्सेप्ट फॉर 2-3 शोज जहाँ मैं कॉमेडी कर रही थी, लाइक सबके जो शोज मैंने किए हैं सब टीवी के, वो सब कॉमेडी थे. बट यू नो, कभी आपने पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा? मैं तो बहुत सोचना चाहती हूँ, मैं तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ, लेकिन वो एजेंसी वाले नहीं सोचते मुझे लगता है. प्रोडक्शन हाउस मुझे देखते ही बोलता है, इसको देखकर लगता है कि ये कम से कम नहीं तो 5-6 हड्डियाँ तो तोड़ देगी, जो मैं तोड़ चुकी हूँ. बाय द वे, मुझे छेड़ा तो तुम मरे, मैं 2 लड़कों की नाक फोड़ चुकी हूँ. उन्होंने छेड़ा था तो नाक फूट गई, वो मेरी नाक काटने गए थे, उनकी नाक तोड़ दी मैंने. तो आई एम क्वाइट, आई मे बी माई प्रेजेंस कम्स अक्रॉस एज वेरी पावरफुल, और मे बी लिटिल कि ये छोड़ेगी नहीं टाइप्स. तो आपको नहीं लगता, टेलीविजन अगर आप देखो तो जितनी भी लड़कियाँ गोल चेहरे हैं, थोड़ी नाजुक दिखती हैं, रोने धोने वाली दिखती हैं, वो पॉजिटिव लीड में आती है. मैं तो ना रो. मैं देखो, सिंपल रूल, किसी को रोना नहीं चाहिए, पर अगर ये कंपल्शन है कि किसी को रोना है तो आप रोएंगे. ओके, वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि 2 लड़कों की आपने नाक तोड़ चुके हो, yes. आप खतरों से तो लड़ना जानती होगी. तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने कॉकरोच आ गया, यू नो, वी आई थिंक वी आर ऑन 7th फ्लोर, में यहाँ से कूद भी सकती हूँ. तो मुझे वो कीड़े मकोड़ों की वो एक चीज की वजह से मुझे अभी तक हिम्मत नहीं हुई है. सो नॉट देम, बट आई एम अ डांसर, सो वी आर समथिंग समथिंग दैट वी आर हैविंग अ लिटिल
talk right now. Let's see. You might see me in something related to dancing. Okay, so that means नच बलिए का बहुत ज्यादा बस चल रहा है, तो क्या आपको बलिए के साथ देख सकते हैं नच बलिए में? बलिए ला दो, बलिए के साथ आ जाओ, बलिए ही नहीं है। तोड़ोगे तो कैसे आएगा कोई बलिए? ये भी बिल्कुल बात सही है, देखिए, लेकिन बलिया ऐसा होना चाहिए जिसकी नाक ना तोड़नी पड़े, राइट? लेकिन मैं भी इसी के बहाने, शायद कोई अगर सुन रहा है तो मुझे बलिया मिल जाए। ओके, अदर रियलिटी शोज की अगर मैं बात कर रही हूँ, डांस हो गया और खतरों के खिलाड़ी हो गया, बिग बॉस है, जहाँ पर आपकी जैसी पर्सनैलिटी की जरूरत है, उसमें मुझसे कहा गया था, लेकिन आई वॉज इन द US, तो मैं नहीं कर पाई उस वक्त। एंड फिर उसके बाद अभी जब मैं बालवीर कर रही थी, तब वी गॉट लेट बाय कपल ऑफ डेज, आई थिंक। जब प्रोफाइल की बात पे बात आई, तो सुबह उन्होंने लॉक किया लास्ट वाला उनका कैंडिडेट, और शाम को मेरी बात हुई थी कि अरे इसे क्यों नहीं लिया टाइप, ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे। तो यस, आई एम ओपन टू दैट ऑल्सो। मैं लगती हूँ ऐसी, लेकिन मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है बिग बॉस से, फिर भी जाऊँगी बिकॉज आई थिंक इट विल बी फन। जिसका भी रीच ज्यादा हो, ये मुझे पता नहीं है इस वक्त रीच किसकी ज्यादा है, राइट? सो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट हैज अ लिटिल मोर रीच, सो दैट आई कैन यू नो रीच माय मोर ऑडियंसेस, गेट मोर लव, सेंड मोर लव। बट अगर इस बार क्या आप OTT में जाओगे, तो खबरों के मुताबिक ये खबरें हैं कि सलमान होस्ट नहीं कर रहे, अगर सलमान होस्ट नहीं करेंगे तो आप जाना पसंद करोगे? ये कैसे हो गया मेरे साथ? देखो, पहली बात तो वहाँ पे जाने का मतलब ही है कि सलमान भाई हैं वहाँ पे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो फील कि अगर वो सलमान सर की जगह पे किसी को लेकर आएंगे, तो वो भी आई एम क्वाइट श्योर दे हैव टू फिल इन दोज शूज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट समवन लाइक दैट विल कम इन, आई एम क्वाइट श्योर। तो इट विल बी फन, सी इट्स मोर अबाउट कनेक्टिंग विद माई पीपल अराउंड इन द कंट्री एंड अक्रॉस, राइट? तो आई रियली होप एंड प्रे सलमान जी आ जाए वापस, और अगर नहीं है तो आई रियली होप एंड प्रे कि समवन हु इज एज फन एज हिम, बिकॉज आई थिंक ही इज अमेजिंग, व्हाट अ होस्ट, बिग बॉस का ऐसा होस्ट, मतलब ऐसा लगता है बिग बॉस मींस सलमान खान। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, यू नो आपने अलग अलग डांस फॉर्म ट्राई किए हो, सो डांस दीवाने हैं, झलक है, आपने तब यू नो आने की कोशिश की, झलक तो कमबैक भी किया है, बट क्यों आप झलक पर फर्स्ट यू नो आफ्टर कमबैक नहीं आए? यू नो समहाउ इट हैपेंड सो के जब जब झलक का सीजन लॉन्च हुआ, कभी एक तो मुझे पहले पता नहीं चला, ठीक है, दोबारा फिर ये भी बात हुई कि मैं तभी ऑन एयर होती थी जब वो चल रहा होता था, सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ क्लैश फॉर मी, बट नाउ वी आर इन टॉक्स, लेट्स सी कौन सा वाला, मैं नहीं बताने वाली हूँ, इट्स अ हिंट, बट आई एम कमिंग अप विद समथिंग इन डांसिंग, कुकिंग बिग टाइम, स्पाइसी मिर्ची मसाला तड़का मार के। बट आप अगर बिग बॉस में आओगे तो और मजा आएगी, थोड़ा और मसाला मिलेगा। अब हाँ, लेकिन मुझे डांस, आई एम क्रेजी अबाउट डांसिंग। मुझे मम्मा बोलती हैं मेरी कि जब मैं सोती हूँ अगर आप म्यूजिक बजा दें तो वो बीट मेरा बेली हिलती है बीट पे, सो मम्मा सेज दैट एंड दैट्स द ट्रूथ, आई वुड रादर डाई देन नॉट डांस, सो आई हैव टू डांस। बट बलिए की अगर मैं बात करूँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मॉडर्न दिखती हूँ, बट आई एम प्रिटी मच वेरी ट्रेडिशनल पर्सन इन माई हार्ट, सो आई एम लुकिंग आउट फॉर अ मैन विच यूज टू बी देयर प्रॉबली इन यू नो 2000 या 90s में, क्योंकि हाँ मैं बहुत छोटी थी लेकिन मैं ऐसे ही देखकर बड़ी हुई हूँ। आज की जनरेशन, मुझे लगता है कि अभी के जो बलिए हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, या तो वो सही बलिया मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है, या मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू, मैं ये काम आपको दे रही हूँ,
अब आप मेरे लिए ढूंढ के लाएंगे बलिया। यस, तो ये सारे फैंस को आप बता दीजिए कि अभी ढूंढना शुरू करिए। सो एवरीवन स्टार्ट हंटिंग। टू बिगिन विद ही हैज टू बी अ वेरी नाइस पर्सन। गुड लुकिंग इज ओके, मीडियम मीडियम चलेगा। ऐसा ना हो कि रात को देख के मैं बेहोश हो जाऊं तो डर जाऊं, वैसा मत ढूंढिएगा। ही हैज टू हैव लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई एम अ स्पॉइल्ड ब्रैट, मुझे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। He has to be generous, caring, loving, intelligent, good sense of humor, and he has to be loyal. कुछ रहा क्या? नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, बाकी अब जोड़ लेना। Well, जाते-जाते ये बता दीजिए कि क्या कुछ अब pipeline में है और कौन से नए किरदार के साथ आने वाली हो आप? So there is a web series that we are already in. It is on almost finalized. खाली साइन होना बाकी है एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई मुझे रियलिटी का पता नहीं चल रहा है, द डांस रियलिटी, क्योंकि अगर वो डेट्स क्लैश हो गई तो मैंने कमिटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। आई टोल्ड यू राइट, मेरे डेट्स हमेशा क्लैश होते हैं, बट आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग, आई एम ट्राइंग टू टेल देम ऑल्सो कि मुझे एक बार कर लेने दो। यहाँ पर डांस आ रहा है बीच में। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए तो बोला कि प्लीज मुझे नाचने दो। मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में उमराव जान थी। Oh my God! I think that's one web series that I'm going to watch again and again and again. And you know, that's one thing that I feel, why am I not a part of it? Because I'm training in Kathak already. I am already trained in Kathak, but I'm further pursuing it now. और वो जो उसमें वो जो अदायगी है, वो शेरो शायरी है, वो inbuilt है मेरे में. I love. I think Urdu is one language. जिसमें हिंदी भी है और उसमें अरबिक भी है, तो बहुत बड़ी वोकैबलरी है और उसमें एक अदायगी होती है, यू नो, तो आई लव दैट। आई थिंक दैट आई विल मिस। हीरा मंडी में किसका किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? दैट्स अ गुड वन। सच बताऊँ, आई थिंक मनीषा कोइराला वॉज वेरी गुड। शी वॉज रियली वेरी गुड, एज इन वॉट अ बैलेंस ऑफ, वो इतनी पावरफुल थी, इसके बावजूद यू कुड फील दैट she is that, वो एक अदायगी उनमें है और there was love, there's a contrast of love and still a woman who thinks that becoming, मतलब वो जहाँ पर वो चला रहे हैं, है ना, हीरा मंडी चला रहे हैं, उसकी जो वो हुजूर हैं, वो हुजूर बनना उनका सपना है, that can be an ambition for someone, to play that and be convincing, I think it's very difficult.